हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको भंगायनी माता मंदिर ले जा रहे हैं जो 8000 फीट ऊंची चोटी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर गांव में देवता विराजमान है। देव शक्ति पर लोगों का अटूट विश्वास व श्रद्धा है। जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरिपुरधार नामक एक छोटा कस्बा है। समुद्र तल से लगभग 8000 फुट ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण इसे धारों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ पर खूब बर्फ पड़ती है। कथानुसार एक बार शिरगुल देवता अन्य देवताओं तथा दलबल सहित दिल्ली दौरे पर गए थे। वहां पर एक दुकान पर कुछ बर्तन आदि खरीदने लगे। दुकानदार द्वारा दुकान का पूरा सामान तराजू में डालने पर भी बाट वाला पलड़ा एक और ही झुका रहा। इस पर उसे शिरगुल देवता पर किसी चमत्कारी शक्ति होने का संदेह हुआ। कहते हैं कि दुकानदार जब शिरगुल देवता से विवाद करने लगा तो दुकान में रखे बर्तन स्वयं ही सड़कों पर लुढ़कने लगे। उस समय दिल्ली पर तुर्कों का शासन था, जो नहीं चाहते थे कि शक्ति में कोई उनसे अधिक बलशाली व श्रेष्ठ हो। दुकानदार ने तुर्क शासक के समक्ष सारी बातें स्पष्ट की और न्याय की गुहार लगाई। तुर्क शासक ने शिरगुल देवता को अपने पास बुलाकर पकड़ना चाहा तो वह वहां भी चमत्कार दिखाने लगे और अपनी शक्ति से सेना को परास्त कर दिया। इन दिव्य शक्तियों के प्रदर्शन से तुर्क शासक भयभीत हो गए। जब वे देवता को बंदी बनाने में असफल रहे तो धोखे से उन्हें चमड़े की बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया। शिरगुल देवता की सहायतार्थ आए बागड़ देश के महाराज गूगा जाहर पीर ने वहां भंगिन के रूप में कार्यरत माता भंगायनी की मदद से शिरगुल देवता को मुक्त कराया। कारागार से मुक्त होने पर शिरगुल देवता माता भंगायनी को अपने साथ ले आए और उन्हें हरिपुरधार की चोटी पर निवास होने के लिए कहा और स्वयं चूड़धार पर लीन हो गए। जनश्रुति है कि आसपास के गांव के ग्वालों को चोटी पर एक पत्थर दिखा जो एक ओर से नुकीला था। उस पत्थर को जमीन पर गाड़ कर वे खेलने लगे। ग्वाले जितना उस पत्थर को जमीन में गाड़ते कुछ देर बाद वह पत्थर जमीन से बाहर निकल जाता। एक दिन ग्वालों ने इसे पहाड़ी के नीचे गिरा दिया, लेकिन दूसरे दिन वह पत्थर पुनः उसी पहाड़ी पर अपने स्थान पर मिला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गांव वालों ने एक पुरोहित का सहारा लिया। उन्होंने यहां पर शक्ति होने के बारे में बताया और गांव वालों को यहां मंदिर का निर्माण करने को कहा। गांव वालों ने चोटी पर मंदिर की स्थापना की तथा इस मंदिर में पत्थर को पिंडी के रूप में स्थापित किया। अपार शक्ति की स्वामिनी होने के कारण इस पिंडी के साक्षात दर्शन करना वर्जित माना जाता है तथा ये देवी माता के चरणों के नीचे ढककर रखी गई है। तभी से माँ यहाँ शक्ति रूप में अपने भक्तों की रक्षार्थ सदैव उपस्थित रहती है। माता भंगायनी को शिरगुल देवता की धर्म बहन के रूप में भी माना जाता है। किसी कारणवश यदि देवी माता कुपित हो जाए तो उन्हें मनाने तथा दोष निवारण के लिए तत्काल शिरगुल देवता की शरण लेनी पड़ती है। देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु आश्विन में पड़ने वाले नवरात्रों तथा संक्रांति के दिन यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए चारों ओर से मार्ग है। नाहन से हरिपुरधार के लिए नाहन रेणुका संगला तथा पौंटा साहिब रेणुका संगला की ओर से पक्की सड़कें हैं। वहीं शिमला चौपाल कुपवी मार्ग से भी हरिपुरधार तक पहुँचा जा सकता है। चंडीगढ़ की ओर से आने वाले श्रद्धालु सोलन राजगढ़ नौहराधार मार्ग से इस मंदिर तक पहुँचकर माता के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपको भगयनी माता के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।